हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज सफिक्सेस। सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स इज अ वर्ड पार्ट दैट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द बेस वर्ड एंड चेंजेस इट्स मीनिंग। तो इफ यू अंडरस्टैंड इट विद हिंदी, देन द मीनिंग ऑफ सफिक्स इज प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब शब्द के पीछे की तरफ, यानी शब्द जहाँ ख़त्म होता है उसके पीछे की तरफ सफिक्सेस लग करके, ऐड हो करके वो शब्द का मीनिंग पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी बेस यानी मेन वर्ड के ठीक पीछे की तरफ ऐड कर दिए जाते हैं, और वो इसलिए ऐड किए जाते हैं क्योंकि बेस वर्ड का मीनिंग चेंज करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कहा वॉश का मतलब होता है धोना, लेकिन अगर हमने वॉश में ई आर जोड़ दिया, यानी ई आर जो वर्ड पार्ट है उसको जोड़ दिया, तो हो जाएगा वॉशर। तो वॉश का मतलब धोना होता है, लेकिन वॉशर जैसे उसमें ई आर जुड़ गया उसका मतलब हो जाएगा धोबी, यानी कपड़े धोने वाला या फिर धोबी, राइट। तो ऐसे ही सफिक्स का काम क्या होता है, वो शब्दों के जो बेस वर्ड होते हैं, आधार जो शब्द होते हैं, उनमें जुड़ करके वो बेस वर्ड का मतलब चेंज कर देता है, राइट। नाउ विल सी द स्मॉल लिस्ट ऑफ सफिक्स और एग्जांपल्स ऑफ सफिक्स। सो अगर हम टीच की बात करें, टीच क्या है, एक क्रिया है। अब टीच में हमने सफिक्स जोड़ा ई आर, तो हो जाएगा टीचर। सो पढ़ना, पढ़ाने की इंग्लिश टीच होती है और पढ़ाने वाले की इंग्लिश टीचर होती है। सो पढ़ाने और पढ़ाने वाला दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, राइट। सो हियर ई आर सफिक्स है। ऐसे ही प्लेफुल, अब प्ले का मतलब खेलना होता है, और एफ यू एल एक सफिक्स होता है। सो एफ यू एल जैसे ही प्ले में जुड़ा तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। अभी तक प्ले का मतलब खेलना था और फुल का मतलब कुछ और है। अब प्लेफुल जब साथ में जुड़ेंगे तो हो जाएगा चंचल, यानी कोई बच्चा जो बहुत चंचल है, बहुत ही प्लेफुल है, राइट। सो हियर द मीनिंग ऑफ प्ले इज चेंजिंग आफ्टर बीइंग एडेड विद एफ यू एल। जैसे ही प्ले में एफ यू एल जुड़ गया तो उसका मतलब चेंज हो गया। देन कम्स डिपेंड। अब डिपेंड का मतलब होता है निर्भर, एंड डिपेंड में जैसे ही हमने ए बी एल ई एबल जोड़ दिया तो हो जाएगा डिपेंडेबल। अब अगेन डिपेंड निर्भर से क्या हो जाएगा, निर्भरता के योग्य, जो चीज़ निर्भर हो उसको डिपेंडेबल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर डिपेंड से मीनिंग चेंज होके हो जाएगा डिपेंडेबल का, निर्भरता के योग्य। देन कम्स होम। अब होम का मतलब घर होता है। अब उसमें एलईएस जुड़ गया, होमलेस, इसका मतलब हो गया जिसका कोई घर ना हो, होमलेस, राइट। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उन्हीं के लास्ट में कुछ वर्ड्स हमें ऐसे मिलते हैं जैसे एफ यू एल, एल ई डबल एस, एस ई एस। ऐसे जब वर्ड्स हमें दिखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें सफिक्स जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब छोटा सा एग्जांपल है ब्यूटी। अब ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती, राइट। अब ब्यूटी में एफ यू एल जोड़ दिया ब्यूटीफुल, तो हो जाएगा खूबसूरती से खूबसूरत, राइट। ब्यूटीलेस यानी जिसमें कोई खूबसूरती ना हो, कुरूप हो, ठीक है, ब्यूटीनेस, राइट। तो ऐसे ही हम बहुत सारे डिफरेंट तरीके के सफिक्स होते हैं जिनको हम बेस वर्ड में जोड़कर उसका पूरा पूरा मतलब चेंज कर सकते हैं, राइट। सो हियर सफिक्स का एक मोटा मोटा हम मतलब निकल के आता है कि सफिक्सेस अगर हमें यूज़ करने आते हैं तो हमारी विकैबलरी बहुत अच्छी हो सकती है, हमारी जो शब्द भंडार है वो बहुत अच्छा हो सकता है, राइट। नाउ विल सी मोर इम्पॉर्टेंट सफिक्सेस। नाउ यू मस्ट हैव सीन एस ई एस ई डी आई एन जी बींग यूज आफ्टर द वर्ड्स ना, कई दफ़ा आपने देखा होगा कि वर्ड्स के, शब्दों के या फिर क्रियाओं के लास्ट में
एस ई एस ई डी आई एन जी जुड़ा हुआ हमें मिल जाता है, ठीक है। तो एस का मतलब क्या होता है, एस इंडिकेट्स कर एस इंडिकेट्स प्लूरल, जो एस होता है वो इंडिकेट करता है प्लूरल को, प्लूरल का मतलब बहुवचन। ई एस का भी वही काम होता है, इसमें टी होगा, इंडिकेट्स नहीं होगा, दिस इज इंडिकेट स्लिप ऑफ पेन। सो ई एस इंडिकेट्स प्लूरल, सो ई एस भी प्लूरल को ही इशारा करता है या फिर प्लूरल के बारे में बात बताता है। नाउ ई डी, ई डी इंडिकेट्स पास्ट टेंस। सो ई डी कभी कभी होता है, कहीं कहीं ई एन होता है, तो जब ई डी या ई एन क्रियाओं में जुड़ जाते हैं तो वो पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल्स को प्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। फिर आता है आई एन जी, आई एन जी इंडिकेट्स दैट समथिंग विच इज़ समथिंग इज हैपनिंग। सो आई एन जी हम कब लगाते हैं, आई एन जी क्रिया के अंत में, वर्व के एंड में हम यूज़ करते हैं, और ये बताता है कि कोई काम हो रहा है, किसी काम के लगातार होने की हमें इशारा देता है आई एन जी। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ इतने ही नहीं हैं, देर आर नंबर ऑफ सफिक्सेस विच वी के नॉट लर्न। ये हमें तब आएगा जब हम बार बार चीज़ों को स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रीडिंग, हाउ मच यू रीड। सो जितना आप रीडिंग करोगे ग्रेजुअली आपको खुद चीज़ें धीरे धीरे समझ आने लगेंगी। नाउ वॉट यू हैव टू डू, नाउ सो हेयर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द थिंग्स कि हम कैसे इनको याद करेंगे, तो बस आप रीडिंग करते रहिए, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, राइट। नाउ विल सी कि एस और ई एस प्लूरल में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा नोट मैंने लिखा हुआ है, नोट ई एस एडेड टू दोज वर्ड्स विच आर एंडेड विद एस एच एस एक्स ओ जेड सी एच, राइट। तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, वो वर्ड्स या वो नाउन या वो क्रियाएँ जिनका एंड जो ख़त्म होती हैं एस एच एस एक्स ओ जेड सी एच पे, ऐसे वर्ड्स में जब भी हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो हम ई एस ही ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर मैंने बोला बॉक्स, बॉक्स का मतलब क्या होता है, डिब्बा, राइट। अब बॉक्स बहुत सारे बॉक्स हैं तो हम बी ओ एक्स एस नहीं लिख सकते, हम वहाँ पे लिखेंगे बी ओ एक्स ई एस, यानी बॉक्सेस, राइट। तो हियर हमें बस इतना याद रखना है, जो भी शब्द एस एच, चाहे वो शब्द हो, नाउन हो या फिर कोई क्रिया हो, अगर एस एच एस एक्स ओ जेड सी एच से ख़त्म होगा देन हम ऐसे वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सफिक्स। सो जो फर्स्ट कॉलम है दैट शोज बेस वर्ड्स, मिडिल कॉलम इज शोइंग सफिक्स, एंड थर्ड कॉलम इज शोइंग द न्यू वर्ड विच इज़ कमिंग फ्रॉम द बेस वर्ड, ठीक है। जो बेस वर्ड है उससे बनके, उसके और सफिक्स के कॉम्बिनेशन से न्यू वर्ड्स कैसे बनते हैं विल सी इन दिस टेबल। सो टीच में अगर हमने ई आर जोड़ दिया तो टीचर, बैंक में ई आर जोड़ दिया तो बैंकर, फास्ट में ई आर जोड़ दिया तो फास्ट, कैट का कैट्स हो जाएगा, बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा, मैंगो का मैंगोज, वेट का वेटेड। अब वेट में ई डी जोड़ यानी पास पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। यानी वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, वेटेड का मतलब इंतज़ार किया। टॉग टॉग्ड हो जाएगा, वेट वेटिंग, टॉक टॉकिंग, पेन पेनफुल। अब देखिए यहाँ पर जो मिडल कॉलम है दैट इज शोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ सफिक्सेस। सो हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम सफिक्सेस को जोड़ करके नए वर्ड्स को बना सकते हैं और ईजिली। अगर हमें सोचिए, अगर हमें इन सब के, इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, हमें बेस वर्ड की इंग्लिश हिंदी पता है, उसका मतलब पता है, और हमें अगर सफिक्सेस का यूज़ करना आता है तो हम आसानी से नए वर्ड्स याद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें पता है होप, होप का मतलब क्या होता है, आशा,
ठीक है, अब हमें पता है लेस का मतलब होता है हीन या फिर कमी किसी चीज़ की, तो हम आसानी से याद कर सकते हैं होपलेस, यानी किसी चीज़ की कमी। ठीक है, तो अब हमने होप से एक नया वर्ड सीख लिया, होपलेस। ट्रेन, ट्रेन का मतलब क्या होता है, किसी, अब ट्रेन चलने वाली भी ट्रेन होती है, ट्रेन का मतलब ट्रेनिंग देना भी होता है, और हमें ये भी पता है कि अगर इसमें ई आर जोड़ देंगे तो ट्रेनर हो जाएगा। तो एक वर्ड से हमने कई सारे वर्ड्स याद कर लिए, राइट। सो सफिक्सेस आर ऑलवेज वेरी हेल्पफुल टू इन्हांस योर वोकैबुलरी स्टूडेंट, सो कीप ऑन लर्निंग न्यू सफिक्सेस एंड कीप ऑन एडिंग न्यू वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी। सो चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। Bye-bye, take care now.